हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ। वो है कि हम कंटेनर गार्डनिंग के लिए पॉट्स को कैसे चूज करें, यानी कैसे चुने। हम इन कंटेनर्स के फायदे और नुकसान भी जानेंगे और पॉट सिलेक्शन के लिए मैं कुछ कारण और सुझाव भी देने वाली हूँ। और हम लास्ट में बेस्ट रिसर्च के हिसाब से हम कौन सा वाला पॉट को खरीदना है कंटेनर गार्डनिंग के लिए, ये भी हम देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन से स्टार्ट करती हूँ। हमारे प्लांट्स के ग्रोथ के लिए पॉट्स कितना मान्य रखते हैं। बहुत सारे गार्डनर्स अपनी अपनी पसंद से प्लांट्स के लिए उनके कंटेनर्स को चूज कर लेते हैं, जैसे कि क्ले कंटेनर हो, प्लास्टिक कंटेनर हो या सीमेंट पॉट्स। अगर आप भी बहुत ही कंफ्यूज्ड हो गए हो कि कौन से वाले कंटेनर को हम गार्डनिंग के लिए यानी टेरेस गार्डनिंग के लिए चूज करना हो, तो आप अकेले इतने कंफ्यूज नहीं हो। बहुत सारे लोग भी ऐसे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आप सही डिसीजन ले अपने कंटेनर्स को सेलेक्ट करने में। कंटेनर्स बहुत सारे मटेरियल से बनाए होते हैं, जैसे कि क्ले, सीमेंट, सेरामिक, ब्रास और ग्लास, स्टोन पॉट्स भी होते हैं, वुडन पॉट्स भी होते हैं, कॉयर पॉट्स और बहुत सारे। आप जब भी गमलों को चुने यानी खरीदने जाए तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखें कि इसका कॉस्ट कितना है, यानी मोल के बारे में और मजबूती के बारे में और फायदे और नुकसान के बारे में। चलिए इन फैक्टर्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लास्टिक पॉट से, यानी प्लास्टिक के गमलों से। प्लास्टिक के गमले सस्ते होते हैं और ये पॉट्स 3 रंगों में पाए जाते हैं। फिर हमको ये चूज करना पड़ता है कि कौन सा कलर वाला गमला लें। आप याद करें कि हमने 7th स्टैंडर्ड फिजिक्स में पढ़ा था कि काला रंग बहुत ज्यादा गर्मी को अब्सॉर्ब कर देता है। नर्सरी में प्लास्टिक के गमले बहुत सारे कलर्स में आते हैं, जैसे कि टेराकोटा कलर, लाइट कलर्स में आते हैं और काले रंग में आते हैं। तो आप काले रंग वाले पॉट्स को मत लीजिए, क्योंकि ये हीट को अब्सॉर्ब करता है। अगर आप इन काले वाले गमलों को शेड में रख रहे हो तो आप ले सकते हैं। अब इसके फायदे ये हैं कि ये सस्ते होते हैं, आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, हल्के और मजबूत होते हैं, इनको आसानी से क्लीन कर सकते हैं और ड्रेनेज होल डालना भी आसान है। ये कई सारे साइज और शेप में आ जाते हैं। अब अगर हम डिसएडवांटेजेस यानी नुकसान की बात करें तो ये पॉट्स को धूप में नहीं रखना चाहिए, वरना ये गर्म हो जाते हैं। इससे मिट्टी में जो लाभकारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाते हैं और रूट्स भी जल जाते हैं। अगर आप इनडायरेक्ट सनलाइट में रख रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप जब भी खरीदने जाओ तो अच्छे क्वालिटी वाले पॉट्स को खरीदे। चलिए दूसरे टाइप्स के पॉट्स हैं, वो हैं सीमेंट और सेरामिक पॉट्स। इनके फायदे ये हैं कि ये गमले दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, ये कई सारे साइजेस और शेप्स में मिल जाते हैं और सेरामिक पॉट्स कॉस्टली होते हैं पर गार्डन में तो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। तो इनको खरीदने से पहले इनके भी कुछ डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस को जान लें, क्योंकि ऐसे पॉट्स में पोरोसिटी नहीं होती है और प्लांट्स के लिए लैटरल एरेशन भी नहीं होता है। कंक्रीट और सीमेंट पॉट्स में और एक इश्यू ये है कि ये मिट्टी के पीएच को अफेक्ट करता है, क्योंकि इसमें लाइम रिलीज होता है जो मिट्टी को अल्कलाइन बना देता है। इससे बहुत सारे एसिड लविंग प्लांट्स जो हैं उनको अफेक्ट करता है। तो आगे क्ले पॉट्स को जानने से पहले हम दूसरे गमलों के ऑप्शंस को देखते हैं। जैसे कि आपको मार्केट में कई सारे गमले दिखते हैं, जैसे लकड़ी के गमले हो, पत्थर के या थर्माकोल के। अगर आप थर्माकोल बॉक्सेस को यूज कर रहे हैं तो आप नए वाले बॉक्सेस को ले, ये आपको सस्ते पड़ेंगे और इनका वजन भी कम होता है। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि अगर ये पुराने हो जाए तो ये टॉक्सिक कार्सिनोजिक सब्सटेंस को रिलीज करते हैं जो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाता है।
नेक्स्ट पत्थर के गमले दिखने में तो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, पर कॉस्टली बहुत होते हैं। ये बहुत भारी होते हैं जिससे शिफ्टिंग में प्रॉब्लम होती है। लकड़ी के गमले भी अच्छे लगते हैं। इसको बनाने के लिए जो लकड़ी यूज करते हैं वो अच्छी होनी चाहिए, वरना इसमें कीड़े लग सकते हैं। लोहे के गमले भी मार्केट में मिलते हैं, पर इसमें ड्रेनेज होल्स डालना मुश्किल है और ये जल्दी धूप में गर्म हो जाते हैं और पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम देखते हैं कि क्ले पॉट्स के क्या एडवांटेजेस हैं पौधों के लिए। इन मिट्टी के पॉट्स में सभी साइड से अच्छा ड्रेनेज होता है और लैटरल एरेशन भी बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये गमले पोरस यानी झरझरे होते हैं, तो ये प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छे पॉट्स हैं। लास्ट में हम बात करेंगे इन ग्रो बैग्स की, जो ये लेटेस्ट मार्केट में आए हैं और हम होम गार्डनर्स इसको यूज कर रहे हैं। हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये सारे साइजेस में मिल जाते हैं और ये सस्ते भी हैं। टेरेस गार्डनिंग में आजकल इस तरह के ग्रो बैग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइट वेट होते हैं यानी हल्के होते हैं। ये ध्यान रखें कि कोई भी प्लास्टिक पॉट्स यूवी रेजिस्टेंस होना जरूरी है। ये ग्रो बैग्स का एक प्रॉब्लम यह है कि ये अट्रैक्टिव नहीं लगते अपने होम गार्डन में। तो दोस्तों, मेरे इस पॉइंट से आपको जरूर फायदा हुआ होगा, तो आप अपने फेवरेट गमलों को चुन सकते हैं और अपने गार्डन को हरा भरा रख सकते हैं। तो आपको कौन सा गमला अच्छा लगता है, आप इस कमेंट सेक्शन में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैप्पी गार्डनिंग।